मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 सेकंड्स के अंदर एक्टिव से पैसिव इजीली चेंज कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो वीडियो में तक बने रहना, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ स्टेप 1, यानी कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये चीज़ें जान लेते हैं कि वॉइस क्या होता है। सो वॉइस में होता है वाच्य, ये दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, फोर्स करते हैं, एंड पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे फोर्स करते हैं। सो एग्जाम्पल से समझते हैं एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। तो जो हमारा फोर्स है यहाँ पे सी पे है, वह पे यानी कि सब्जेक्ट पे। एंड यहाँ पे पैसिव वॉइस में अ सॉन्ग इज संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया गया। तो यहाँ पे हमारा फोर्स अ सॉन्ग पे। तो अब चलिए ये जानते हैं कि कैसे चेंज हुआ है एक्टिव से पैसिव में। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट बन जाता है। एंड क्या बनता है, देखिए, अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है आई है, तो पैसिव में मी बन जाएगा, ही है तो हिम, सी है तो हर, वी है तो अस, एंड यू का तो यू ही होता है, राइट? तो चलिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपको टेंसेस बिल्कुल भी नहीं आती तो आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाएंगे। सो मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिए एंड देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने डिटेल में बताया तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, एंड उसके बाद आप एक्टिव से पैसिव इजीली चेंज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। तो देखिए मैंने रूल दे दिया है, सबसे पहले क्या करना है, आप जो एक्टिव वॉइस है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और सॉन्ग, तो उसको लिख लीजिए, आपने लिख लिया और सॉन्ग। एंड हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करना है इज एम आर में से। तो जो अ सॉन्ग है सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे इज, और सॉन्ग इज। उसके बाद यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है संग, तो अ सॉन्ग इज, एंड आपको ऐड कर देना है बाय, एंड उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का उसको बना देना ऑब्जेक्ट। As you know कि मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, आप उसमें से देख सकते हैं। तो हमारा पैसिव क्या बन जाएगा, A song is sung by her। तो ये रूल सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है, सो ध्यान रखिएगा, ओके? तो चलिए अब ढेर सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। सो सेंटेंस है, I write a letter, मैं पत्र लिखता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है एक्टिव वॉइस का, क्या है, अ लेटर, हमने लिख लिया अ लेटर, एंड लिखना इज एम आर में से। सो जो अ लेटर है वो सिंगुलर है तो हम लिखेंगे इज, अ लेटर इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, तो अ लेटर इज रिटेन। फिर हमें लिखना है बाय, एंड एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा आई, वो बन जाएगा मी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, अ लेटर इज रिटेन बाय मी। तो आप केयरफुली समझिएगा, ओके? नेक्स्ट सेंटेंस है, वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं। तो जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बुक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे बुक्स, एंड हमें लगाना है इज एम आर, तो जो हमारा बुक्स है वो प्लूरल है तो हम लिखेंगे बुक्स आर। फिर लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो रीड होता है उसकी थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, ओके? तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, बुक्स आर रीड बाय अस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, हमने लिखा मैंगो। फिर मैंगो सिंगुलर है, हम लिखेंगे इज, मैंगो इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का ईटन, और मैंगो इज ईटन प्लस बाय। फिर लिखना है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट तो बना देना है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, ही, तो बन जाएगा हिम, मैंगो इज ईटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम प्लेस हॉकी, राम हॉकी खेलता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, हमने लिखा हॉकी, एंड हॉकी सिंगुलर है ना, तो हम लिखेंगे इज, हॉकी इज। फिर वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, हॉकी इज प्लेड। फिर लिखना है बाय, हमने लिखा बाय। फिर सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट, तो हम लिख देंगे राम, राम का हम राम ही रखेंगे, नेम चेंज नहीं होता है, हॉकी इज प्लेड बाय राम। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, एंड आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आ गया होगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी सीख जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।